अच्छा बना दिया है कि सब समाज के बारे में, तो एनआरसी के मुसलमान का कोई अहित नहीं होगा। हम भी बैकवर्ड में आते हैं, मेरे पार्टी के फ्लैग में हरा झंडा है। मैंने पहला मेरा स्पीच आपने सुना होगा, तो मैंने क्या बोला कि मुसलमान को भागीदारी आज तक जिस कांग्रेस बात करती थी उसने दिया क्या? महाराष्ट्र में एक भी MP मुसलमान का नहीं है कांग्रेस से, तो बात खाली सेक्युलर की करती है और झगड़ा लगाने का काम BJP और कांग्रेस करती है, वो सोचना चाहिए। ये हमारा गौर से कहना है, समर्थन है, हम समर्थन हैं समर्थ के बारे में समर्थन सही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कांग्रेस वाले उसको हवा भर रहे हैं, नाराज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे मुसलमान है, उसको समझ में आ रहा है कि भाई रियली क्या है। ये पॉलिटिक्स का खेल है BJP और कांग्रेस का। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के इतने प्रधानमंत्री होते हुए मुसलमान को क्या फ़ायदा हुआ, और ये दोनों का झगड़ा लगाने के लिए हमने पार्टी बनाई है। हम तो ऐसे लोग हैं कि कांग्रेस और BJP को न मानने वाले लोग हैं, उससे आगे जाने की कोशिश करें। हम तो NDA में है, अभी NDA में राष्ट्रीय समाज पार्टी, लेकिन मेरा MLA जीत के आए, मेरे सिंबल पे आए, हम स्वाभिमान की बात करते हैं। तो क्रिश्चियन रहे, मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, हिंदू में भी ऐसी कौन है कि किसी को उसको फैसिलिटीज भी आज तक नहीं मिली, ब्यूरोक्रेट्स नहीं, पॉलिटिकल पावर नहीं मिला, मीडिया की पावर नहीं मिली, तो देने के हम लोगों को सजग कर रहे हैं, उसको लोग जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। बताना चाहता हूँ 2003 में हमने राष्ट्रीय समाज पार्टी बना ली। राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्र में जो जो समाज रहता है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो हर कम्युनिटी के लोग हैं उसमें कोई गरीब लोग रहते हैं, उसके लिए ज़्यादा हम मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 2003 से राष्ट्रीय समाज पार्टी महाराष्ट्र में अभी 2 MLA है, 98 कारपोरेटर और JP मेंबर है, और गुजरात में 18 कारपोरेटर हैं, कर्नाटक में 1 कॉरपोरेट है, वेस्ट बैंक असम में 1 जिला पंचायत है, और कल ही 5 दिन मैं UP में गया था, तो UP में भी हमें रजिस्ट्रेशन हमें मिला है, कर्नाटक का मिला है, गुजरात मिला है, और गोवा और महाराष्ट्र 5 स्टेट में हमें राष्ट्रीय समाज पार्टी को रिकग्निशन मिला है, खाली 1 स्टेट बचा है। जब 1 स्टेट में मिलेगा तो हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी राष्ट्रीय बन जाएगी, नेशनल पार्टी बन जाएगी, इसके हिसाब से हम जोड़ रहे हैं। अभी बम्बई में हम कॉरपोरेशन की तैयारी कर रहे हैं। श्रील डिसूजा ऐसा अच्छा आदमी है, वर्कर है, वो पुराना कॉरपोरेटर भी है और उसके पीछे मास बेस है, तो उसको हमने वादा किया कि भाई ये राष्ट्रीय समाज पार्टी का खाता आप ही खुलवा सकते हैं। तो सब लोगों को दबे कुचले लोगों को लेकर चल रहा है, तो उसने कमान उसके हाथ में ले लिया है। तो मैंने बोला कि पहला आज आवाज़ संस्था का प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम, बाद में सब कार्यकर्ता के साथ डिस्कशन होने के बाद आप पार्टी में आना न आना आप डिसीजन ले लो, आज ही नहीं है, देर लगेगा चलेगा, लेकिन इंतज़ार का फल मीठा होता है, इंतजार धीरे से आएगा। श्री लाने के बाद मुझे भरोसा है कि बम्बई में हमारा बस्तान अच्छा पार्टी का बन जाए। अभी आज तक ये देहात में पार्टी थी, सिटी एरिया में कम चल रहा था, हमने भी नगर सेवक कॉरपोरेटर की सीटें लड़ी थी लेकिन हार गए थे हम, मालवनी भी हमने लड़ा था लेकिन हमने नहीं जीता था। तो मुझे लगता है कि ये आदमी एक अच्छा मिला है, आज हमारे माता बहन भी उसके पीछे है, मास लीडर में सहज प्रोग्राम रखा था, इतना बड़ा कोई ऐसा नहीं था, कॉल किया था तो वो लोग आए हैं, तो मुझे भरोसा है कि अगली सीट वो चुन जाएगा, 100% RSP का खाता खुलवाएगा।